हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका जो आपकी जो बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर है आपका ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसके जो हार्ड वर्ड्स और जो मीनिंग्स थे वो हमने देख लिए थे, आपने भी नोट कर लिए होंगे, उनको लर्न भी कर लिया होगा। और आज हम आपका जो चैप्टर है उसको रीड करेंगे, उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है, तो अपने अपने बुक्स आप ओपन कर लीजिए और मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। सो लेट्स कम। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन को। देखिए, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग यानी मुस्कुराती हुई रुक्मणी ने जो दरवाजा है उसको थ्रू ओपन यानी खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और जो मीना है रश्ड आउट का मतलब है तेजी से बाहर निकलना। वो तेजी से बाहर की तरफ निकले या बाहर भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने पुल्ड इनटू का मतलब होता है अंदर खींचना। मृदु को घर के अंदर खींच लिया। ये मृदु कौन है? लड़की है, तो उसने उसको पकड़ करके अंदर खींच लिया। वेट, अब वो मृदु कहती है वेट, इंतजार करो। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, कि मेरी जो स्लीपर्स है, मेरी जो चप्पलें हैं, उनको मुझे टेक ऑफ यानी उतार लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने प्रोटेस्टेड यानी विरोध किया। जब उसको पकड़ करके रवि ने अंदर खींचा तो मृदु ने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया कि मुझे मेरी चप्पलें तो बाहर उतार लेने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। सी उसने, किसने? मृदु ने सेट देम आउट कि उसने उनको बाहर उतार दिया या बाहर रख दिया। नीटली यानी ढंग से, सही तरीके से। नियर यानी पास में। अ पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, लार्ज यानी बड़ी बड़ी, जो ब्लैक वंस का मतलब है यहां पर चप्पलें, काली जो चप्पलें थी बड़ी बड़ी, उनके उनका जो जोड़ा रखा हुआ था यानी, तो उनके पास में उसने ढंग से अपनी जो चप्पलें थी उनको उतार के रख दी। दोज वर ग्रे, और वे कैसी चप्पलें थी? ग्रे यानी मटमैले कलर की थी एक्चुअली वास्तव में। और वो जो चप्पलें थी वो उसकी कैसी थी? वास्तव में मटमैले कलर की थी। विद डस्ट, जो कि किससे हो गई थी? धूल से हो गई थी, यानी धूल से वो मटमैले कलर की हो गई थी। काली काली तो थी, उस पर धूल पड़ गई तो वो कैसी हो गई? ग्रे कलर की हो गई। यू कुड सी, आप देख सकते थे द क्लियर मार्क यानी स्पष्ट निशान ऑफ एवरी टॉ यानी प्रत्येक अंगुली के ऑन द फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट का मतलब होता है बिल्कुल आगे का हिस्सा, सामने का हिस्सा। ऑफ ईच स्लीपर यानी प्रत्येक जो स्लीपर थी यानी दोनों जो चप्पलें थी उसकी, उनके आगे के भाग पर जो उसकी प्रत्येक अंगुलियां थी उनका जो है उसमें उनके जो निशान पड़े हुए थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉज। द मार्क्स यानी जो निशान है, फॉर द टू बिग टॉज, जो बड़ी बड़ी अंगुलियां है अर्थात जो अंगूठे के जो निशान है, वर लॉन्ग, वो लंबे थे। एंड स्क्रूनी यानी पतले थे, यानी पतले और लंबे उनके निशान पड़े हुए थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हूज स्लीपर्स देवर। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम, मृदु के पास में मच टाइम यानी अधिक समय नहीं था टू वंडर, आश्चर्यचकित करने के लिए, अबाउट हूज स्लीपर्स देवर, कि वो जो चप्पलें थी वो किसकी चप्पलें थी उसके बारे में उसके पास में सोचने का इतना समय नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर, क्योंकि रवि उसको ड्रैग्ड यानी खींच करके ले गया टू द बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब होता है घर के पीछे का जो हिस्सा होता है, आंगन जो होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है घर का, बैकयार्ड कहलाता है। ठीक है, तो उस बैकयार्ड में उसे ले गया। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ, अ थिक बिटर बेरी। बिटर बेरी का मतलब है यहां पर एक तीखी जो बेरी की बुश थी, जो झाड़ी थी, उसके पीछे ले गया। देयर वहां पर, इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, और वहां पर इनसाइड यानी अंदर, ए टॉर्न फुटबॉल, टॉर्न का मतलब फटी हुई फुटबॉल के अंदर, लाइंड विद सैकिंग,
जिस पर क्या बिछा हुआ था, लाइंड विद सैकिंग, सैकिंग का मतलब यहां पर जूट का थैला, ठीक है, तो जूट का जो थैला था जिस पर बिछा हुआ था, एंड फिल्ड विद सैंड, और जिस पर क्या बिछी हुई थी, रेत बिछी हुई थी, यानी जो फटी हुई फुटबॉल थी उसके अंदर जो है फुटबॉल, जो जूट का, जूट की जो, जूट का जो थैला है वो बिछा हुआ था, जूट का, जूट का जो उसमें बिछावन थी उस पर रेत बिछी हुई थी, है ना। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, की वहां पर एक फटे हुई फुटबॉल में, लाइंड विद सैकिंग, जिस पर जो है सैकिंग का मतलब यहां पर जूट, जूट की बिछावन थी, एंड फिल्ड विद सैंड, और उसके ऊपर रेत बिछी हुई थी, ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उस पर क्या लेटा हुआ था, ले का मतलब है लेटा हुआ था, ए वेरी स्मॉल, एक बहुत ही छोटा किटन यानी बिल्ली का बच्चा उस पर लेटा हुआ था, लैपिंग अप मिल्क, जो कि क्या कर रहा था, दूध पी रहा था, फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, कि कोकोनट का जो हाफ सेल है यानी आधा जो खोल होता है नारियल का, उससे वो क्या कर रहा था, दूध पी रहा था। अब दूध पीने के आप जानते हो कि जो जानवर होता है वो जीभ से दूध पीता है, ठीक है, जीभ से मतलब उसको चाट चाट के दूध पीता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैपिंग अप बोलते हैं। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वी फाउंड यानी हमको ये मिला, वी फाउंड हिम, हमने ये हमको मिला आउटसाइड बाहर की तरफ, द गेट दरवाजे के, दिस मॉर्निंग इस सुबह, ये हमको इस सुबह दरवाजे के बाहर की तरफ मिला। ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग, और वो क्या कर रहा था, वो म्याऊ म्याऊ कर रहा था। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ बोलती है ना, तो म्याऊ को म्याऊ, जब बिल्ली बोलती है तो उसकी आवाज को क्या बोलते हैं, म्यूइंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूइंग। तो वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा था, बिल्ली का बच्चा जो किटन है वो म्यूइंग म्यूइंग कर रहा था, यानी म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा, पुअर थिंग का मतलब यहां पर बेचारा। सैड मीना, मीना ने कहा कि बेचारा ये बाहर घर के गेट के बाहर सुबह म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, और ये क्या है, एक सीक्रेट है, एक रहस्य है, क्यों, क्योंकि क्योंकि इसी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। अम्मा से, अम्मा कहती है, पाती विल लीव फॉर ओवर पाडू मामाज हाउस इफ सी नोस वी हैव अ कैट। अम्मा से, अम्मा कहती है, पाती, अब ये पाती कौन है, उसकी बहन है, ठीक है, लड़की का नाम है पाती, तो पाती विल लीव फॉर ओवर पाडू मामाज हाउस, की पाती कहां चली जाएगी, लीव फॉर, लीव फॉर का मतलब छोड़कर चले जाना, कहां पर, पाडू मामाज हाउस, को मामा के घर पर चली जाएगी, इफ सी नोज, यदि उसको, उनको पता चल जाएगा कि वी हैव अ कैट, कि हमारे पास में एक बिल्ली है। तो अम्मा कहती है कि अगर तुम्हारे पास में मतलब बिल्ली का बच्चा मिल गया या बिल्ली मिल गई ना, तो तुम्हें मैं कहां भेज दूंगी, पड्डू मामा के घर भेज दूंगी। तो इसलिए वो डर रहे थे कि यदि अम्मा को पता चल गया तो वो पड्डू मामा के घर भेज देगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, पीपल, लोग जो है, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमको हमेशा बताते हैं, टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि जानवरों के प्रति हमें क्या दिखानी चाहिए, काइंड दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम उनको, उनके प्रति दया दिखाते हैं, तो दे स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, रोना, तो वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, ओह, अरे, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, डोंट ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अरे इसे मत लाओ, दैट डर्टी क्रिएचर, डर्टी यानी गंदे, क्रिएचर यानी जानवर को, जंतु, जीव को, हियर यानी यहां पर, सैड रवि, रवि ने कहा, रवि ने कहा कि अरे इस गंदे जीव को मेरे पास में लेकर मत आओ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ हार्ड इट इज, कि यह कितना कठिन है, जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि किचन में से थोड़ा सा, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा दूध लाना, कितना कठिन कार्य होता है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने सॉ मी, सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, सी का मतलब होता है देखना, और सॉ का मतलब है देखा, कि पाती ने मुझे, मी का मतलब मुझे, पाती ने मुझे देखा विद ए ग्लास, एक ग्लास के साथ में,
इन माई हैंड, मेरे हाथ में जस्ट नाउ, अभी अभी. जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी, कि पाती ने मुझे अभी अभी एक ग्लास के साथ में देख लिया. आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया कि आई एम वेरी हैंगरी, कि मैं बहुत भूखा हूं. हंगरी मतलब भूखा. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, कि मैं इसको पीना चाहता हूं, अर्थात किसको, मिल्क को, दूध को. बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन बट द वे यानी जिस तरीके से, सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, अर्थात वो मेरी तरफ बड़ी टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देख रही थी, क्योंकि उसको डाउट था, उसको शंका थी. आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा. मोस्ट ऑफ यानी अधिकांश, इट यानी इसका, इट का मतलब मिल्क का, कि मुझे मिल्क का अधिकांश हिस्सा मुझे पीना पड़ा. टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, टू थ्रो अप, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, सेंट का मतलब क्या है यहां पर, बहकाने के लिए, कि उसको बहकाने के लिए, कि मैं ये जो दूध है बिल्ली के बिल्ली के लिए लेकर नहीं जा रहा हूं, इसलिए मुझे उसका जो काफी हिस्सा है वो मुझे पीना पड़ा. देन तब सी वॉन्टेड, उसने चाहा, द टम्बलर बैक, और उसके बाद में क्या, टम्बलर का मतलब गिलास, और उसके बाद में उसने गिलास मुझसे वापस मांगा या उसने चाहा. पाती आई शैल वॉश इट myself, कि मैं इसको स्वयं धो दूंगा. myself यानी स्वयं, वॉश का मतलब धो दूंगा, धोकर रख दूंगा मैं उसे अपने आप स्वयं. Why should I put you to trouble, trouble का मतलब होता है परेशानी, कि मैं आपको परेशान क्यों करूं, मैं खुद ही इसे साफ करके ग्लास को रख दूंगा. जबकि वो चाहता क्या था, जबकि वो चाहते थे कि वो बिल्ली के लिए दूध लेकर के जाए. आई टोल्ड हर, मैंने उसको कहा. आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा. एंड पौर का मतलब होता है उड़ेलना, और मुझे उड़ेलना पड़ा किसको, दूध को, कहां, किसके लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए. मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, ये जो कोकोनट यानी जो नारियल के जो खोल थी उसके अंदर मुझे फटाफट जाकर के बाहर भाग करके मुझे उस दूध को डालना पड़ा. एंड देन और फिर रन बैक, दौड़ करके वापस आना पड़ा. एंड वॉश द टम्बलर, और फिर मैंने उस ग्लास को धोया. एंड पुट इट बैक, और इसको वापस रख दिया. बिफोर शी, इससे पहले, बिफोर का मतलब है इससे पहले, कि शी गॉट रियली सस्पिशियस, कि वास्तव में उसको इस बात की शंका हो. सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शंका या फिर संदेह, कि इस बात का उसे शंका हो या उसे संदेह हो, उससे पहले मुझे भाग करके उस कोकोनट के शेल में, उस नारियल की खोल में दूध को उड़ेल करके वापस आकर के उस ग्लास को धो करके रखना पड़ा. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. नाउ अब We have to think, हमें सोचना पड़ेगा, of some other way, किसी दूसरे तरीके से, to feed यानी खिलाने के लिए महेंद्रन को, कि हमें इस महेंद्र को अब खिलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा. महेंद्रन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, महेंद्रन, अब वो आश्चर्य से कहती है, क्या महेंद्रन, this little kitty's name is महेंद्रन, कि इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है. मृदु वाज इम्प्रेस्ड, और इससे क्या हुआ, जो मृदु है वो इम्प्रेस हो गई, वो उससे प्रभावित हो गई. इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना. इट वॉज अ रियल नेम, और ये क्या था, एक रियल नेम था यानी एक वास्तविक नाम था. नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, कि यह केवल एक क्यूट यानी सुंदर बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं हो सकता था, ठीक है ना. एक्चुअली वास्तव में हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, वास्तव में इसका जो पूरा नाम था वो क्या था, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई था. एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, और यदि आप चाहो तो इसको एमपी पुन्नई, इसको संक्षिप्त में भी कह सकते हो, शॉर्ट में इसका नाम भी, पूरा नाम ना लेकर के, यानी महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई पूरा नाम ना लेकर के इसको एमपी पुन्नई भी कह सकते हो संक्षिप्त में, यदि आप चाहो तो, है ना, इफ यू लाइक. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और ये क्या है, बहुत ही सुंदर ब्रीड यानी नस्ल का, ऑफ कैट यानी बिल्ली की नस्ल का है, ये बहुत ही सुंदर बिल्ली की नस्ल का है. जस्ट लुक एट हिज फर, देखो इसके फर, फर का मतलब होता है रोएं,
जो रोएदार जो बाल होते हैं, रोए जो होते हैं, बोले इसकी इसकी तरफ देखो, लाइक अ लॉयंस मैन। यह किसकी तरह है? लाइक यानी की तरह, किसकी तरह है? लॉयंस मैन। लॉयंस मैन का मतलब है यहां पर जो शेर है उसके गर्दन के बाल, मैन का मतलब होता है गर्दन के बाल, किसके? शेर के गर्दन के बालों की तरह इसके क्या है? बाल है, फर है। एंड यू नो, और आप जानते हो, व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज। एंड यू नो, और आप जानते हो, व्हाट द एम्ब्लेम, एम्ब्लेम का मतलब होता है राज चिन्ह, ऑफ द एंशियंट यानी प्राचीन पल्लव किंग्स, जो पल्लव राजा थे उनका जो राज, और तुम जानते हो कि जो प्राचीन जो पल्लव राजा थे उनका राज चिन्ह क्या था? डोंट यू, क्या आप नहीं जानते हो? ही लुक्ड, उसने देखा, एक्सपेक्टेंटली यानी आशान्वित होकर, एट मृदु, मृदु की तरफ। किसने? रवि ने। रवि ने किससे कहा? मृदु से कहा। मृदु गिगल्ड, और इस बात पर क्या हुआ? जो मृदु जो है गिगल्ड, गिगल्ड का होता है मन ही मन मुस्कुराना, या मंद मंद मुस्कुराना, या फिर धीरे धीरे मुस्कुराना, या खिलखिलाकर खिलखिला जाना मन ही मन, ठीक है ना। तो मृदु गिगल्ड, मृदु जो है वो खिलखिलाकर हंसी, या मंद मंद मुस्कुरा करके हंसी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, थिंक आई एम जॉकिंग, ठीक है। और जितना हमने इसको रीड किया है, जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जितना भी पैराग्राफ हमने पढ़ा है, आप उसको दो तीन बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है। और कोई चीज यदि आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।